यूट्यूब पे काम करने के लिए आपकी क्या ओपिनियन है इन दिस अ गुड फ्यूचर फॉर वुमन? फ्यूचर तो डियर डिपेंड करता है आपकी लक पर, आपके काम पर, कि आप कितने फोकस्ड हो, आपका काम लोगों को कितना पसंद आता है, या मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं आपकी लक भी काउंट कर रही होती है कामयाब होने के लिए। और कामयाब लोग होते भी हैं आपके सामने, आप देख लें, बड़ी बड़ी व्लॉगर्स हैं, नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी, आप लोगों को खुद को पता है कि वो स्टार्ट से, उन्होंने कोविड में स्टार्ट लिया था, जिन लोगों ने स्पेशली कोविड के दौरान स्टार्ट लिया है वो आज बहुत अच्छी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद भी जिन लोगों ने स्टार्ट लिया है उनकी लक बहुत काम की है, उनके 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, आपकी लक आपका कितना साथ दे रही है, अल्लाह ताला का कितना करम है आपके ऊपर, आप कितना कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होती हैं घर में रहकर भी। हमें देख लें, मेरे साथ के जो, मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ केमिस्ट्री में, मास्टर्स में, लेकिन मेरे साथ की जो मेरी क्लास फेलोज हैं अच्छे अच्छे ग्रेड्स पर, अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, प्रोफेसर्स तक पहुँच चुकी हैं, वो घर से बाहर जाकर उन्होंने एक नाम बनाया है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बाद में आके अब स्टार्ट किया है अपनी इस होम मेकिंग में, मुझे इंटरेस्ट था, मैंने घर में ही एक चैनल बनाया है, लोगों को अच्छी चीज़ सिखाई है, अच्छी चीज़ प्रमोट करनी शुरू की, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्लेटफॉर्म्स को अगर मिलाऊं तो ऑलमोस्ट 4 से 5 लाख की कम्युनिटी मैंने अपना ख़ानदान बनाया है, अपनी मेहनत की वजह से, अपने आप को रिवील ना करते हुए, अपने काम को दिखाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, तो आपकी एजुकेशन कभी ज़ाया नहीं जाती, आप किस वे में उसको कैसे यूज़ करते हैं ये डिपेंड करता है, ये मैटर करता है। तो इंडिपेंडेंट वुमन आप घर बैठकर भी बन सकते हैं ना, आपको घर से बाहर सुबह उठकर तैयार होकर घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और फिर घर आकर अपने घर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही हो, आप कमा भी रहे हो और आप अपना घर भी चला रहे हो इन अ गुड वे, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, खुद को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी एक लाइफस्टाइल, अपनी रूटीन सेट करके। तो डिपेंड करता है आप में कितना कैरेबर है, राइट। आप लोग घर में रह कर भी, और ज़रूर करो, ज़रूर करो, कुछ भी करो, आजकल घर का बच्चा बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, जो बच्चे स्टूडेंट भी हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक औरत होकर अपने आप को मनवाए ना। इसीलिए तो मैं आपको बकअप करती हूँ हर वीडियो में कि यार आप लोग सुपर वुमन है, आप सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं बनी, आप सिर्फ घर की बेडशीट्स चेंज करने के लिए नहीं बनी, आप सिर्फ बच्चों के फीडर बनाने के लिए नहीं बनी, आप इससे बियॉन्ड भी सोच कर देखें, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत कुछ है। अगर आप अपनी शादी से पहले अपनी किताबें जबानी याद करके अपने पेपर्स पास कर सकती हैं, तो वाई नॉट अब, आप अब क्यों नहीं कर सकती, अब भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आपके टैलेंट को एक सिर्फ किक स्टार्ट देने की ज़रूरत है, किसी किस्म का भी आपके अंदर टैलेंट है, आप बेकिंग कर लेती हैं, आप कुकिंग कर लेती हैं, आप कोई डिज़ाइनिंग कर लेती हैं, आप अच्छे कपड़े बना लेती हैं, वॉट एवर, आप उसको ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर यूज़ करें। आपकी अपनी जेब के जो पैसे हैं ना, वो इतने मज़े के पैसे हैं, उन पैसों का कोई नेबल बदल नहीं है। बेशक आपके हस्बैंड के ही पैसों से घर में बरकत है, उनकी ही कमाई में बरकत है, और अल्लाह ताला सबके घरों में जो बड़े हैं, हस्बैंड हैं, बाप हैं, भाई हैं, कोई भी हैं, उनकी कमाई में बरकत रखे, लेकिन यार आप लोगों की अपनी जो लाइफ है ना, आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो अपनी वेल बींग है, आपका जो अपना, जो अपने अंदर का एक इंसान है, उसको मनवाना भी बहुत ज़रूरी है, आपका रिगार्ड बहुत ज़रूरी है अपने अंदर, आपकी सेल्फ केयर, आपका इंडिपेंडेंट होना इतना ज़रूरी है आपके लिए किसी भी एज में जाकर, और अगली एज में जाकर आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, ना अपने बेटे पर, ना अपने बाप पर, ना अपने भाई पर, ना अपने खावन पर, आप खुद पर डिपेंडेंट रहें। आपको अपनी दवाई की ज़रूरत पड़े तो आप खुद मंगवाने की अहल हों, आप किसी का मुंह ना देखें कि मुझे मेरी इस टैबलेट की ज़रूरत है, मुझे फ्रूट की ज़रूरत है, मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुझे अपनी उस फ्रेंड के घर जाना है। आपके पास अपनी जेब में इतने हों कि आप प्राउडली उसको निकालें और उसको यूज़ करें अपनी ज़ात पर, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आगे चलकर। आपके पास इतना, आपकी पर्सनैलिटी इतनी मज़बूत होनी चाहिए आपकी अगली एज में कि बाद में ये गिल्ट ना रह जाए, बाद में ये आपके अंदर ये चीज़ ना रह जाए, यार मैंने तो जवानी में इतना टाइम गुजार दिया अपने बच्चे पालने में, अपने हस्बैंड के काम करने में, अपने ससुराल को ये वो, मैं कहाँ गई, वो मैं आनी है 50+ के जब आपने होना है ना, जब आपने 60+ के होना है, जब अपने बच्चे ब्याह लेने हैं, तब वो आपके अंदर सोच आनी है। तो आज ही क्यों ना आप उस सोच को लाए बगैर अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लें, इतना आप, इतना अपने अंदर आज ही शऊर पैदा कर लें कि उस टाइम को देखते हुए ना उस फ्यूचर को सिक्योर करें। हालांकि अल्लाह ताला का वादा है फ्यूचर सिक्योर करने का, फ्यूचर अल्लाह ताला जानते हैं, अल्लाह ताला ने प्लान किया हुआ है, लेकिन एक हम इंसान होने की ऐसे हैसियत से हमारी भी तो एक सोच है ना कि हम अपने लिए आज क्या खेती बो रहे हैं। मैं उस औरत की बात कर रही हूँ जो घर की चार दीवारी के अंदर अपने घर को, बच्चों को, फैमिली को मैनेज कर रही है, मैं उसकी ज़ात की बात कर रही हूँ जो सिर्फ, जो अपने लिए भी ज़रूर सोचे बाकियों का सोचने के बजाय, अपनी अगली लाइफ को ज़रूर सिक्योर करे। आप कुराने पाक पढ़ा सकती हैं, आप ऑनलाइन कुराने पाक पढ़ा लें, आप कुछ कर लें, घर में कभी भी आपको 2 घंटे भी मिले ना तो वेस्ट ना करें, प्लीज़ खुदारा वेस्ट ना करें, अपनी ज़ात पर लगाएं वो टाइम। आज वो टाइम लगाया होगा, कल को आप प्राउडली, आपको, आपका बच्चा भी, आपकी बेटी भी, आपकी बहू भी, आपके ख़ानदान वाले भी आपको यूँ प्राउड से और रिगार्ड से मिलेंगे।
कि यार इस बंदी ने अपनी एक जगह बनाई है, ठीक है, तो ज़रूर अपने ऊपर फोकस करें और अपने लिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, घर की चार दीवारी में आपको नहीं अलाउड ना, सही कोई बात नहीं, मुझे भी अलाउड नहीं है, मेरी कितनी एजुकेशन है, मैं डिस्टिंक्शन होल्डर हूँ, अखबार में मेरी तस्वीरें हैं, कभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद अलाउ नहीं किया जॉब करना, ठीक है, तो मैंने माना, मैंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे अंदर स्किल्स थी, मैं ऐसे ही बैठने वाली नहीं थी कि मैंने अपने बच्चे भी पाले हैं, मैंने अपना सारा काम किया, लेकिन मैं मुझे कुछ ना कुछ किसी भी टाइम करना था, मैंने बुटीक किया है, मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग की है, जो जो स्किल्स मेरे अंदर थी मैंने उन सबको इस्तेमाल किया है घर के अंदर रहते हुए, कि मुझे अलाउड नहीं है ना बाहर जाना, लेकिन मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ खाना बनाऊँ, मैं सिर्फ बच्चों के पैम्पर्स चेंज करूँ, मैं उससे आगे की हूँ, मैंने ये, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, तो मैंने किया, जैसे जैसे सोर्सेज मिले मैंने वैसे वैसे किया, आज मुझे ये सोर्स मिला कि घर के अंदर रहकर लोगों को घरदारी सिखाई जाए, बच्चियों को घरदारी सिखाई जाए, ठीक है, कुछ भी छोटे से छोटा काम अगर किसी को सिखा सकूं, किसी को लर्न करवा दूं, तो ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाएगा, मेरी वालदा के लिए सदका जारिया बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं ना कि आप किस माँ की बेटी हैं, तो मेरी उस माँ को जो स्वाब चला जाता है ना, मैंने वही कमा लिया, समझें कि आप लोग जब मुझे मेरी वालदा को दुआ दे देते हैं कि यार किस माँ की ये बेटी है, ठीक है, तो उनको जो दुआ चली जाती है वही मेरी कमाई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कट टू शॉर्ट कि आप लोग ज़रूर ज़रूर बीइंग अ होम मेकर ज़रूर ज़रूर अपने लिए कुछ करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा यूँ ऊपर रखें सबसे, ठीक है, आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि अपना ज़रूर ख्याल रखेंगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएंगी, अपने बारे में सोचेंगी, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगी, उस दिन को कभी भी नहीं आने देंगी कि आप गोटे गिटे लेके बैठी हो कि यार मुझे बड़ी दर्द, मुझे कोई पानी पकड़ा दे, मुझे कोई दवाई ला दे, ऐसा ना सीन करें, हमेशा एक्टिव रहें, एक्टिव लाइफस्टाइल आज से ही अडॉप्ट करें ताकि हमेशा आप एक्टिव रहें, और अल्लाह ताला को जब मिले तो बिल्कुल आप किसी बीमारी के बिना मिलें, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए बिना आप अल्लाह ताला से जा मिलें और सुरखरू हों, ठीक है, अल्लाह ताला हमें आखिरी टाइम पर कलमा नसीब करे और हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल देकर चुप करके ऊपर उठा ले, ठीक है, मेरी ये सबसे दुआ है।